हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगजून पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लाते हैं। और हम लोगों ने अपने काफ़ी ज्योग्राफी के लेसन्स ले आए हैं, अराउंड 8 और 10 लेसन्स हो गए हैं। तो अब कुछ दिनों बाद ही हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से भी शुरू करने वाले हैं अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जो कि 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस होंगे। हम लोग डेली बेसिस पर यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसी के साथ हम अपना जीए वाला जो सेक्शन है वो भी पूरा करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अन अकेडमी पर एक मैं वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ और वहाँ पर मेरे कोर्सेज SSC JEE और RRB JEE के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। अभी करेंटली मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए और यहाँ पर भी आप फॉलो करिए। और यहाँ पर हम लोग ने फिजिक्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट हम लोग बस ख़त्म करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग फिर इसके बाद केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस पर भी फोकस करेंगे। तो CMA का जो हमारा सिलेबस है, CMA वाला पार्ट जो है वो हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और फिर टेक्निकल में हम अपने स्पेशली मैकेनिकल के लिए बात करें तो यहाँ हम RK जैन और RS खुरमी दो बुक्स को कंसल्ट करेंगे और इन्हें कोशिश करेंगे हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करने की। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी के 10 अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है? तो यहां पर हो गया किन्नौर। ठीक है, किन्नौर जो जिला है हमारा हिमाचल प्रदेश में, वो हमारी चाइना के बॉर्डर को छूता है। सो किन्नौर हो गया हमारा सही ऑप्शन यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रेनिच मरीन टाइम इज अहेड ऑफ ग्रेनिच मरीन टाइम, मतलब हमारा जो IST है वो ग्रेनिच मरीन टाइम से कितना आगे है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के मोबाइल में भी जब हम अपना पहली बार मोबाइल ऑन करते हैं, सेटअप करते हैं, तो +5:30 आवर्स वाला टाइम जोन हम लोग सेट कर लेते हैं, कोलकाता वाला। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई और ये वाला जो टाइम जोन है ये हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा 5.3 आवर, 5.5 घंटा आगे है। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारे अलाहाबाद से। ठीक है, अलाहाबाद में पर्टिकुलरली एक जगह है जिसका नाम है नैनी, और नैनी से हमारी जो लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है उस वो यहाँ से पास करती है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ग्रेनिच मरीन टाइम के 5.5 घंटा आगे माना है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ द ग्रेनिच मरीन टाइम बाई 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? सो दिस डे वॉज ऑन 21 दिसंबर। सो 21 दिसंबर को यहाँ भारत में सबसे छोटा दिन होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑन 21 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द नेशंस आर कनेक्टेड विथ पाक स्ट्रेट? कौन सा राष्ट्र पाक जल मंडरू सॉरी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका, तो यहां पर है हमारा सही है, पाक स्ट्रेट से कौन कौन से जुड़े हैं? इंडिया, श्रीलंका। थोड़ा ये मुश्किल है मेरे लिए प्रोनाउंस कर पाना, इसलिए आप लोग भी हंस रहे होंगे, बट एनीवेज पाक स्ट्रेट उसका नाम है। ठीक है, तो ये हो गया सही ऑप्शन हमारा, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये है आपका असम। तो हमारा जो असम राज्य है उसकी कोई भी बाउंड्री आपके म्यांमार से टच नहीं होती, तो यहाँ पर सही हो जाएगा अपना असम। लेकिन ये जितने भी स्टेट्स हैं, असम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले स्टेट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज? वेस्ट बंगाल कितनी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 कंट्रीज के साथ। ठीक है, एक तो हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, फिर हमारा हो गया आपका म्यांमार भी हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी 3 कंट्रीज हैं जिसके साथ आपका वेस्ट बंगाल अपने बॉर्डर को शेयर करता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखें, करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स कैपिटल आर? देखिए, नागालैंड का शिलोंग नहीं है, ठीक है, नागालैंड का कैपिटल शिलोंग नहीं है, उत्तराखंड का नैनीताल नहीं है, देहरादून है, छत्तीसगढ़
ये भी गलत ऑप्शन है, बिलासपुर नहीं है। छत्तीसगढ़ का क्या है आप जानते होंगे, उत्तराखंड का हमारा नैनीताल नहीं है, लेकिन झारखंड इज द कैपिटल ऑफ रांची, ठीक है। मतलब सॉरी, रांची जो है हमारा झारखंड का कैपिटल हो गया। तो सही जो पेयर यहां पर मिला है दैट इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो देखिए, सेवन सिस्टर स्टेट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं, उनमें यहाँ पर कौन सा स्टेट इनका एक मेंबर है, सात बहनों का सदस्य, ठीक है। इसे सात बहनों का सदस्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा हमारा सेवन सिस्टर स्टेट्स में से एक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। तो सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप में, सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारी नॉर्दर्न अंडमान। देखिए, अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है, कुछ एरिया है जहाँ आप जा नहीं सकते, वहाँ पर एक्चुअली आदिवासी रहते हैं और वहाँ मिलिट्री का बेस भी है, तो वहाँ पर जा नहीं सकते। कुछ पार्ट है जो घूमने वाला है, जैसे हैवलॉक आइलैंड्स हो गए, या इस तरीके कुछ रीजन्स जो है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम द गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र का क्या नाम है, तो ये होगा सर क्रीक, ठीक है। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका सर क्रीक। ऑलराइट, सो सर क्रीक इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा ये ज्योग्राफी के 10 अच्छे क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे हमारे। और बहुत जल्दी हम लोग अपने ज्योग्राफी के सेक्शन को फिनिश करके हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी पर स्विच ओवर करने वाले हैं, और वहाँ पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आरआरबी जेई 2019 का एक क्रैश बैच चलाएंगे, जिसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे और बहुत ही हाईली प्रोमिनेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे पूरे जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। जीए का जो सेक्शन है उसके लिए कम से कम हम लोग आपको 100 से लेके 150 एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल के थ्रू, और वो आप हमारे पा सकेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एम्बेड कर दिया है। और दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, ताकि उन्हें भी क्वालिटी और फ्री मटेरियल मिल सके, और वो भी आरआरबी जेई 2019 की इफेक्टिव तैयारी कर सके। तो थैंक यू सो मच।